यहाँ से उठा के ले गए अल्तमश को, और मेरे भाई सद्दाम को ज़बरदस्ती उसको फंसाया जा रहा है। उसके बारे में सबको मतलब बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन उसको फंसाया जा रहा है। उसको कुछ भी पता नहीं, वो किसी मामले में नहीं है, लेकिन उसको फंसाया जा रहा है। और मेरे लड़के को यहाँ से ले गए और घर से उठा के ले गए और बताया कि वहाँ से बक्सी गांव से हम पकड़ के लेके आए, और 5 दिन तक उसको रखे थे यहाँ, बताए भी नहीं। और उसके बाद बताया तो वो FIR करके वहाँ से फिर वहाँ भेज दिया, वो करेली थाने में वहाँ से FIR उसको करके फिर उसको बताया कि बक्सी गांव से हम इसको लेके आए हैं, और उसको फिर मुझे मुकदमा लगा के उसको भेज दिया गया जेल। और हम लोग 3 दिन तक परेशान थे, यहाँ गए वहाँ गए, पुलिस लाइन गए, हर जगह गए, लेकिन नहीं पता चला कि हाँ आपका बेटा कहाँ है। नहीं बता रहे थे कि नहीं है, अल्तमश नहीं है, नहीं है यहाँ वहाँ। हम लोग हर जगह गए लेकिन नहीं पता चला। बाद में फिर 3-4 दिन के बाद पता चला कि हाँ उसको वहाँ से करेली थाना से उसको वहाँ बक्सी से उठाया और लेके फर्जी की तमाम मनपसंद आवाम को आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ की बधाई देती है। और आप सब से अपने परिवार के बेगुनाह लोग जो आज नफरत का शिकार होकर जेल में बंद हैं, उनके लिए दुआ का तलबगार हूँ। आज आप लोगों के माध्यम से कुछ ऐसे सच से पर्दा हटाना चाहती हूँ कि जिसका तमाम भारत वासियों को जानना बेहद ज़रूरी है। मेरा भाई सद्दाम जो अपनी बेगुनाही की सबूत देना चाहता है, उसको मौका नहीं दिया जाता जा रहा है कि वो अपनी लड़ाई सार्वधानिक रूप से लड़ना चाहता है, जिसका अधिकार भारत का संविधान देता है। लेकिन उनके वकीलों को, उनके परिवार को इतना डराया धमकाया जा रहा है कि न जाने किसके इशारे पे, जबकि मुझे पूरी उम्मीद है कि ज्योतिश्री मेरे भाई बेटे और परिवार के तमाम लोगों को इंसाफ देगी। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी से आशा करती हूँ कि वे हमें इस मुश्किल घड़ी में जब हमारे आशा करती हूँ कि हमारे इस मुश्किल घड़ी में जब हमारे परिवार को बहुत सख्त ज़रूरत है, वो हमारी मदद करें। बीते दिन 9 अगस्त को मेरे छोटे बेटे को करीब सुबह 3 बजे पूरा मुफ्ती पुलिस स्टेशन से एसओ साहब अपनी टीम के साथ ले गए। करीब 7 से 8 घंटे पूरा मुफ्ती स्टेशन से रखने के बाद उसको पुलिस लाइन क्राइम ब्रांच को दे दिया। 3 से 4 दिन हम और परिवार के लोग तमाम पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहे। सारे अधिकारी यही कहते रहे अल्तमश हमारे पास नहीं है। हमने 11 अगस्त को चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट और DGP उत्तर प्रदेश को मेल किया। उसी दिन आनंद फानन रात 9 बजे मिनट या उसी दिन आनंद फानन रात 9 बजे मिनट में करेली थाना से लिख दिया जाता है, जिसमें 307, 504, 506 जैसी 8 गंभीर धाराओं में उसको विरुद्ध झूठा मुकदमा लिखा जाता है। इस बात का पूरा हटवा गवाह है, किसी से न लड़ाई न झगड़ा न मार न पीट, किसी बात पे किस बात पे ले गए, हमारा लड़का इतना सीधा क्यों लेके गए। जिन लोगों के नाम से फर्जी तहरीर लेकर मुकदमा लिखा गया है, कल वो लोग इस बात की गवाही देंगे तो क्या मेरे साथ जो
इंसाफियत हुई उसके इंसाफ कौन देगा जो आज मेरा बेटा जेल में है। सर मेरे बेटे के ऊपर ना कोई मुकदमा है, ना कभी वो पुलिस पुलिस के उसमें, ना कुछ था ही नहीं उसके ऊपर। अब किस उस पे ले गए हैं ये तो हमको नहीं पता। अगर ऐसा होता तो वो कहीं इधर उधर जाता ही नहीं, जाता था पुलिस जब बुलाती थी वो उनसे मिलने भी जाता था, जब उसको बुलाया जाता था जब वो जाता था। और ऐसा कुछ था ही नहीं कि हाँ उसके ऊपर कोई मुकदमा है या किसी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। तो हम लोग तो ये समझते थे ये बच्चा कोई किसी उसमें है ही नहीं है। और उसको पुलिस ले गई यहाँ से और घर से उठा के ले गई और चार दिन से पता भी नहीं दिए कि हाँ, जब हम लोग पूछने गए कि हाँ भैया मेरा लड़का कहाँ है आप बताइए कि लड़के को आज कई दिन हो गया भाई कहाँ इधर उधर बता तो दीजिए, बताया भी नहीं। और उसको मारे पीटे कहाँ क्या की बस ये पूछ ले गए बस उससे बस सद्दाम कहाँ। वो मामू है सद्दाम और जैनब खाला है, वो मेरी बहन है, वो मेरा भाई है शबाना। ज़ैनब मेरी खाला हैं और सद्दाम मेरे मामू हैं। बस उनको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, ले गई और मारा पीटा और कहा कि बताओ सद्दाम कहाँ है और ज़ैनब कहाँ है। और पूछ रहे हैं कि चार दिन तक ले जा कर रखे थे हम लोग, तीन दिन तक लगातार थाना का चक्कर लगाए, पुलिस लाइन गए, धूमनगंज थाना, कोतवाली थाना, पूरा मुफ्ती थाना, बस यही कहते रहे कि यहाँ पर अल्तमश नहीं है, यहाँ पर अल्तमश नहीं है। हम लोग तीन दिन तक लगातार परेशान रहे कि मेरा भाई कहाँ है, कम से कम इतना तो बता दीजिए। इतना तो पता था कि फर्जी मुकदमा लगाएंगे, हमने हर पुलिस थाने पे यही कहा कि मेरे भाई को बता दीजिए कहाँ पर रखा है। ये तो पता था कि फर्जी मुकदमा लगाकर उनको फंसाया जाएगा, बस बता तो दीजिए कम से कम मेरा भाई है कहाँ। फिर भी नहीं बताया, बस यही कहते रहे कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। दो दिन तीन दिन गुजर गया, उसके बाद हमने मेल किया तो शाम में उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया गया चीफ जस्टिस को। जी, ये सरासर गलत बात है सर, हमें सही पता भी नहीं। जब से यहाँ से निकली हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, ना ज़ैनब से, ना ज़ैनब खाला से, ना ही सद्दाम मामू से, कोई कांटेक्ट नहीं हम लोगों का। और सरासर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनके ऊपर। मेरी खाला नहायत सीधी एकदम शरीफ हैं, जब से मेरे खालू जेल गए हैं सिर्फ़ एक बार खालू से मुलाकात हुई है। और उस खाला के ऊपर ज़बरदस्ती लगाया जा रहा है कि इन्होंने साजिश रची, जब हम लोग सब खाला के साथ ही रह रहे थे, मेरी खाला मायके में थी, उसके बाद ज़बरदस्ती यही लगाया जा रहा है कि ये साजिश की हैं। उनको इसका कोई पता नहीं, जब वो जेल में बंद थे और खाला हम लोगों के साथ रह रही थी, उनके ऊपर सरासर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मेरा नाम बलीक फ़ातिमा। अगर परेशान करती है और धमकी देती है कि सद्दाम को हाजिर कराओ नहीं इनकाउंटर कर दिया जाएगा, पुलिस को सब पता है, फर्जी मुकदमा लगाया जा रहा है, हम लोगों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे लग रहा है हम लोग बहुत बड़े अपराधी हैं। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि मेरे मामा सद्दाम और मेरी खाला ज़ैनब को इंसाफ मिले और उनको ज़बरदस्ती बलि का बकरा ना बनाया जाए। और हम इसी में मेरे भाई अल्तमश को भी फंसा दिया गया है, ना उनके ऊपर कोई मुकदमा है, ना उनके ऊपर कोई केस है। उनको घर से उठा ले जाते हैं और उनको मार पीट कर यही पूछते हैं कि ज़ैनब कहाँ है और सद्दाम कहाँ है, जबकि उनको इस बात का कोई खबर नहीं है। वो घर पर रहते हैं, उसके लिए पूरा गांव गवाह है। वो एकदम सीधे नहायत शरीफ हैं,